अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं वाजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है मोदी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी जी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात की। करीब 2 साल बाद वो अपनी माँ हीराबेन से मिलने पहुंचे। 2 साल पीएम मोदी ने अपनी माँ के पैर छुए, अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के साथ बैठकर वहाँ खाना भी खाया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मीडिया को। प्रधानमंत्री अक्सर अकेले जाते हैं, एक अकेली गाड़ी में हमें आपको दिखाता है, लेकिन लोगों को खबर मिल जाती है और फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री अपनी माँ हीराबेन से आशीर्वाद ले रहे हैं और आज 2 साल बाद वो अपनी माँ से मिल रहे थे और 2 दिन के दौरे पर हैं वो गुजरात के। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं, तमाम लोग जो वहाँ उन्हें देखने के लिए पहुँचे उनसे हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपनी माँ के साथ उन्होंने कुछ पल बिताए और उनके साथ बैठकर वहाँ उन्होंने पहले तो अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और फिर खाना भी खाया। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि लगभग 1.25 घंटे तक वो अपनी माँ के साथ रहे। गांधीनगर में जहाँ माँ रहती हैं प्रधानमंत्री की हीराबेन, उनसे मिलने के लिए पहुंचे। निर्णय हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी निर्णय। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री निकले हैं अभी, लगभग 1.25 घंटा बिताया आज उन्होंने अपनी माँ हीराबेन के साथ। जी बिल्कुल, और ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था। मैंने जैसा आपको पहले जब हम बात कर रहे थे बताया था कि करीब 2 साल बाद वो पहुंचे हैं अपनी माँ से मिलने। इनफैक्ट लास्ट मुझे याद है जब वो 2019 का चुनाव जीते थे उसके बाद मिलने आए थे, और उसके बाद शायद आज वो अपनी माँ से मिलने पहुँचे उनके घर। और इसीलिए जो कोविड की वजह से ये जो 2 साल बीते वो नहीं मिल पाए माँ से, तो हो सकता है सारी कमी आज उन्होंने उसकी भरपाई कर दी है और वो उनके साथ काफ़ी देर तक बैठे। आपने देखा किस तरह से उनकी जो माता है हीरा बा, उनके चेहरे पे आपने वो जो स्मित देखा होगा, नरेंद्र मोदी से जब भी वो मिलती हैं अपने अपने बेटे नरेंद्र मोदी से, तब उनके परिवार वालों का भी ये कहना है कि उनके चेहरे पे भी एक गजब का उत्साह आ जाता है। और आपने देखा होगा आज साथ में बैठ करके उन्होंने भोजन भी लिया प्रधानमंत्री। और निर्णय इस बार तो इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वो था क्योंकि यूक्रेन में जितनी बड़ी संख्या में लेते हैं खिचड़ी लेते हैं जी, इतनी बड़ी संख्या में यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे उन्हें भारत तक लाना, और आज आखिरी जो कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को लेकर पहुंचा है जहाज। और दूसरा, चुनावों का इतना तनाव रहता है, चुनावों को लेकर इतनी चिंता रहती है, तो वो सब से अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को थोड़ा वक्त मिला है और गुजरात 2 दिन के दौरे पर आए हैं, और ऐसे में ये माँ से मिलना उनका बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए भी। जी बिल्कुल, एक तरह से मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही पर्सनल एक मोमेंट होता है उनके उनके लाइफ का। देखिए, अक्सर वो इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं, हमने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनको काम करते हुए देखा, प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा, दिन में 16-16 घंटे वो काम करते हैं, लगातार बिजी रहते हैं। और एक बार उनसे पूछा भी गया था, और इनफैक्ट उनके घर वालों से भी पूछा गया कि माँ उनके साथ जाके क्यों नहीं रहते, तो उनकी माँ ने ही इनफैक्ट ये बताया था कि भाई उनके साथ रह करके मैं करूँगी क्या, अगर वहाँ उनके साथ रहती हूँ तो फिर मैं उनके साथ बिल्कुल टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल, हालांकि वो जब प्रधानमंत्री बने तो एक बार उन्हें अपने घर लेकर के भी गए थे, 2-3 दिन उन्होंने वहाँ पे उन्हें रखा भी था, लेकिन जब वो यहाँ वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं निर्णय की, प्रधानमंत्री अभी निकले अपनी माँ से मिलकर और बाकायदा उनके पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। जी जनाब, जी जनाब, हमने पहले भी एक वीडियो देखी थी इस टॉपिक पर कि मोदी जी अपनी मदर से मिलने गए थे और इसी तरीके से आशीर्वाद लिया। इस मरतबा ये सुनने में आया कि ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा गपशप की, ज़्यादा देर तक रहे। और पिछले दिनों जो हालात चल रहे थे, मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा टेंस सूरत हाल थी, बहुत ही ज़्यादा मसरूफियत भी थी, फिर पिछला साल पूरा कोविड का भी गुजरा, और अभी जो यूक्रेन वाला मामला था, स्टूडेंट जो आ रहे थे वापस उनको रिकवर करवाना था, उनको रेस्क्यू करना था, वो सारे मामला भी थे, और अभी इलेक्शन की कैंपेन भी चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी
मसरूफियत और इतना ज़्यादा थका देने वाला वक्त पिछले दिनों मोदी जी ने जो वक्त गुजारा, और आपको पता है कि एक वीडियो में तो बाकायदा उनकी आवाज़ तक इस तरीके से हो रही थी, इतनी भर गई थी उनकी आवाज़ कि जिससे बाकायदा हमें फ़ील हो गया, जबकि हम वहाँ की सूरत हाल नहीं देख रहे, वहाँ की न्यूज़ अपडेट्स नहीं देख रहे कि आज मोदी जी ने ये ख़िताब किया या आज वहाँ पर जाके तकरीर की है, हम मतलब लेटेस्ट न्यूज़ तो नहीं देख रहे जो आप लोग वीडियो सजेस्ट करते हैं तो उस पर हम रिएक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त उनकी जो कंडीशन थी जब बच्चों से वो मिल रहे थे तो उस कंडीशन से हमें यह अंदाज़ा हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा थके हुए, बहुत ही ज़्यादा तबीयत निढाल लग रही थी उनकी। तो बाकायदा फिर आप लोगों के कमेंट से ही हमें अंदाज़ा हुआ कि इलेक्शन की कैंपेन चल रही है, बहुत ही जगहों पर जाके तकरीरें करनी पड़ती है। अभी मतलब चार राज्यों का मेरे ख्याल में वो आ भी चुका है, रिज़ल्ट भी आ चुका है, जिसमें यूपी में योगी जी ने कामयाबी हासिल कर ली है, चारों राज्यों में मेरे ख्याल में बीजेपी ने ही कामयाबी हासिल की है। तो इन फ्यूचर भी मतलब है कि निढाल दिखे थे प्रीवियस वीडियो में, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम पता नहीं क्यों इंसानी नेचर है, इंसानी फितरत है, कि मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ या बहुत ज़्यादा कठिन हालात से गुजर जाती हूँ तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे कुछ टाइम अपनी मामा के साथ बिताना चाहिए, उनकी गोद में लेट कर उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, और उसके बाद बहुत हल्कापन फील होता है। ऐसा लगता है वो जो अनथक मेहनत थी, वो जो एक टेंशन थी, वो जो एक टाइटनेस थी, वो बिल्कुल उतर गई हो, जैसे 5 मिनट 10 मिनट भी उनके साथ अगर स्पेंड कर लूँ तो हर टेंशन हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, ऐसा लगता है। ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा कामों को निपटाने के बाद, अच्छा इनके साथ तो मेरे ख़त्म ऐसी सूरत हाल होगी कि इनके काम ही नहीं निपटते होंगे, मतलब एक काम आया तो फिर दूसरा काम आ गया, फिर तीसरा काम आ गया, तो अब ये करना है, अब ये इलेक्शन का मामला ख़त्म नहीं होंगे तो फिर दोबारा से नई चीज़ों को सेट करना है, फिर असम्बली के काम से ही है, क्योंकि देखिए 2 दिन का दौरा उनको गुजरात का करना था, तो फिर उन्होंने सोचा होगा कि यकीनन मैं मामा से भी मिली लूँ, अपनी मामा से, अपनी मदर से मिल लूँ, उनके साथ स्पेंड करूँ टाइम, और जो भी इतने गंभीर माहौल से गुजरा हूँ तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा रिलैक्सिंग टाइम गुजरे, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, मतलब ये लेसन मैंने किसी और मिनिस्टर को देते हुए नहीं देखा जो मोदी जी ने अपनी ज़िंदगी से दिया है। अच्छा हमारे यहाँ कभी हमने ऐसी फोटेजेस वायरल होती भी नहीं देखी अपने मिनिस्टर्स की, अपने पाकिस्तानी मिनिस्टर्स की, कि जी आशीर्वाद ले रहे हैं या चले मामा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या अपनी मदद का दिखा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं देखा। अच्छा ये बात भी मुझे नहीं पता थी कि 2-3 दिन तक स्टार्टिंग में जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो अपनी मामा को लाकर उन्होंने अपने साथ रखा था, कि उन काम इतने ज़्यादा 16 घंटे जो इंसान काम करेगा तो वो क्या मतलब, उनकी मामा तो बस वेट करती रहती होंगी कि अब मोदी जी आएंगे, अब बात करूँगी, तो फिर सही कह रही हैं वो कि मैं यहीं सही हूँ, वहाँ जाऊँगी तो क्या करूँगी, वो तो इतने बिजी होते हैं मुल्क के लिए, कामों के लिए, जनता के लिए। अच्छा वही है कि अपना लोग होंगे, ख्याल करने वाले लोग होंगे, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी होगी, तो वो मोदी जी के साथ रहें या ना रहें, उनकी दुआएं उनके साथ हैं, और मैं कहता हूँ बहुत ही लक्की, बहुत ही अमीर हैं माँ की दुआओं के मामले में, और उनकी माँ की दुआओं का ही असर है कि आज वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए एक तरह से एक खिदमत कर रहे हैं, और मुसलसल 16-16 घंटे 15-15 घंटे अगर वो वर्क करते हैं तो मैं कहता हूँ मोदी जी की अपनी उम्र भी बिल्कुल वो नहीं है कि एक मिसाल के तौर पर बिल्कुल एक यंग इंसान होते हैं, लेकिन वो एक यंग इंसान से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो ख़ुद बोलते हैं कि मैं मतलब है कि कभी अपने आप को कमज़ोर फील नहीं करता हूँ, कभी महसूस नहीं करता हूँ, और हमें भी उनके चलने फिरने से मतलब एक मूवमेंट से कभी भी एक आम इंसान वाली फीलिंग नहीं आती। तो वाकई ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही थकन के बाद, बहुत ही काम के बाद, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करने के बाद एक आखिरी में इंसान को जो सुकून मिलता है वो माँ के पास मिलता है, माँ के साथ बैठ के बातें करने को, माँ के साथ बैठ के खाना खाने को जो सुकून मिलता है। मेरे ख़्याल में शायद उन्होंने जितनी भी कैंपेन की, जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, जितनी भी मीटिंग्स की, जलसे जुलूस किए, उसके बाद अब जाके उन्हें थोड़ा सा एक सुकून मिला होगा, एक सवा घंटा उन्होंने माँ के साथ बिताया, जिसमें उनकी मेरे ख़्याल में सारी थकावट उतर गई होगी। कि जब इंसान बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है, तो फिर उसको सुकून सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की गोद में मिलता है, अपनी माँ के पास मिलता है,
तो ये बहुत बेशकीमती लम्हात रहे होंगे मोदी जी के लिए। मैं तो कहूँगी बहुत लकी हैं मोदी जी कि अब तक उनकी माँ है उनके साथ, उनके पास, वो देख रही हैं उनकी कामयाबियाँ, वो देख रही हैं उनका बेटा कैसे तरक्की कर रहा है, किस तरीके से पीएम है पूरे मुल्क का, और उसके बावजूद भी वो मुझे कभी नहीं भूलता। ये एक प्राइसलेस में कहूँगी इमोशंस होंगे उनकी मदर के कि वो मुझे कभी नहीं भूलते। ना सिर्फ पीएम है बल्कि आवाम जिसको इतना चाहती है, इतना पसंद करती है, वो मेरे प्यार को कभी नहीं भुलाते हैं, मेरे हमेशा मुझे याद रखते हैं, हमेशा मुझसे मिलने आते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि ये जो दौरा था 2 दिन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दौरा तो होगा काम की वजह से ही वो आए होंगे, तो उन्होंने खुद से यही सोचा होगा कि क्यों ना इतना ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ, 2 साल से माँ से मिल नहीं पाया हूँ, जब से मतलब एक और बार जब से पीएम बने हैं 2019 में उसके बाद से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, तो मैं माँ से भी मिलता चलूँ। बिल्कुल। अच्छा मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे किसी भी शख्स का कोई थोड़ा सा बड़े अहदे पे होता है तो लोग उससे सिफारिशें लगाते हैं, मेरा ये काम है यार ये करवा देना। पता नहीं मोदी जी की अम्मी जो है उनके पास भी लोग आते होंगे कि मेरा बेटे का ये काम, बहुत लोग आते होंगे, अच्छा ये करवा दें। वो मेरे ख्याल में अब तो मेरे ख्याल में आस पास वाले करीबी लोगों को समझ आ गई होगी कि वो मतलब किसी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, वो पूरे कंट्री के लिए जो कर रहे हैं। देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ बल्कि कि माँ का प्यार कितना अजीब सा जज्बा है ना, कि वो इतनी एजिड हैं अभी भी, लेकिन आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, मैंने वीडियो के फोटेजेस में देखा कि अब भी वही खुशी, अब भी वही हंसी, अब वही मुस्कुराहट, अब वही मुस्कान के साथ, उसी प्यार के साथ अपने बेटे को रिसीव कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। तो बहुत ही खूबसूरत पल मोदी जी की लाइफ के, बहुत ही यादगार पल। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।